दोस्तों, मैं पीएन खरवा परमानंद, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे लड़के से मिलाऊंगा जो टॉप 10 में आए हैं बिहार में, जो बोर्ड का भी रिजल्ट आया है कल का। तो एक देखिए, ऐसे जगह पर आए हुए हैं जो इतना पिछड़ापन गांव से होकर इस बच्चे ने टॉप 10 में अपना नाम हासिल किया है। तो उस बच्चे से भी मिलेंगे और उनके गार्जियन से भी मिलेंगे कि कैसे उन लोगों ने पढ़ाया, और आपको हम उनसे ही बात खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना तो मुंह मटेगा नहीं, सभी लोग सर खिलाएंगे। चलिए खाइए सर लोग, आप लोग भी खिलाइए। ये दोनों लोग सर हैं, इन्हीं लोग के देन से बच्चा इतना बढ़िया कर गया है। और ये हमारे मित्र भी हैं, ये चंदन सर हुए और ये विकास सर हुए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग यहाँ पर सभी गार्जियन लोग भी खुश हैं और जो हमारे टीचर लोग हैं ये भी खुश हैं। ये बड़े पापा हैं और उनकी ये पापा हुए। हम बात करेंगे अब रितेश के बाबा से, ठीक है? वो जो रितेश टॉप किए हैं उनके बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। उनके पोता बहुत बढ़िया सफल नंबर लाए हैं और टॉप 10 में आए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। और बाबा सब ठीक ठाक ना? हाँ सब ठीक है। तो आपके पोता टॉप किए हैं, पूरा एरिया में बढ़िया नंबर रेल बढ़े, तो खुशी बन? हाँ हाँ, एकदम खुशी बात, खुशी है खाती नहीं कोई काम कर। अच्छा अच्छा, ती मने ये सब जतना ये सब बनता कुल रुबे बना में? हाँ हम ही बनाई ना सर। अच्छा अच्छा, मटिये काम करी, मटिये काम करी का सराई मने ये सब मटका भिला भिला सब सब मने। और पढ़ावे के विचार बानू आगे? हाँ, जितना पढ़ी लोगो तो ना पढ़ावे के। वाह वाह वाह, ये देखिए तो ऐसा जो सोना चाहिए कि बाबा बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए बच्चे को दम पढ़ाना है। तो आप लोग से मेरा भी निवेदन रहेगा कि आप अपने को कष्ट देकर बच्चे को जरूर पढ़ाना है, ठीक है? इसलिए मैं बाबा से बात किया कि देखिए आज भी इनको इस उम्र में भी इतना जुनून है कि हम मेहनत करेंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके पहले भी स्लोगन कितने लोगों ने बोला है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, तो लेकिन बाबा का कहना है कि आधी रोटी खाएंगे कितना भी मेहनत करेंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। क्या बात है बाबा। तो हम चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा उनके पापा से मिलते हैं जो रितेश कुमार के पापा हैं, उनसे रितेश के ये पापा हैं, हम इनसे बात करेंगे। रितेश आप ही के लड़के हैं, वो टॉप किए हैं, तो आपके अंदर कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, खुशी हो रहा है। सबसे सर विकास सर जी के हमारा सबसे खुशी। अच्छा अच्छा, विकास सर का ही देन है कि आपका बच्चा टॉप किया है? अच्छा अच्छा, चलिए तो आगे क्या करने का विचार है? आगे जितना पढ़े पढ़ावल जी जो ना स्थान पर अपन जाए चाहिए अपन मजदूरी मेहनत करके उनका के आगे पहुँचावल जी। क्या करते हैं आप? हम मिट्टी के काम को पियाली चूका बनाते हैं, पहुँचाते हैं चट्टी पर। अच्छा अच्छा, यही चूका वूका बनाने का काम करते हैं? अच्छा अच्छा, हल्का दूध हल्का फुल्का खेती भी करते हैं। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी भी करते हैं, ये बहुत बढ़िया। तो इसी तरह भी उनको आगे और पढ़ाना है? हाँ पढ़ाना है सही, इन्हें सबसे बड़ा हमारा बाबजी के हाथ में। अच्छा, सबसे मेहनत हमनी से ज़्यादा अभी कर रहे हैं मेहनत। अच्छा, अभी आपके जो बाबूजी हैं पिताजी हैं? पिताजी। अच्छा, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब एक पुत्र अपने पिता को श्रेय देते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो अब हम उनसे बात करेंगे जिनके चलते उनके परिवार वाले खुश हैं, ये जितने आसपास पड़ोस हैं सभी लोग खुश हैं, उनके शिक्षक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, विकास सर हैं, चंदन सर हैं, ये लोग भी काफ़ी खुशी फील कर रहे हैं। तो हम अब इनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने इतना बढ़िया नंबर लाया और इतना अच्छा टॉप 10 में इनका स्कोर है, तो हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रितेश कुमार। रितेश कुमार, अच्छा कहाँ ये आपका क्या गाँव का नाम? बस ये किया। अच्छा, कहाँ पढ़ने जाते थे? कुरान सराय। कुरान सराय, ब्राइट कोचिंग। अच्छा, तो ब्राइट कोचिंग में आप
यहाँ से कैसे जाते थे? साइकिल से? साइकिल से और साइकिल में पैदल भी जाते थे। कितना नंबर आया आपका? 427। तो आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? उतना पढ़ रहे हैं, जितना लिखे हैं उतना नहीं। किस में कम नंबर आया आपका? हिंदी और सोशल साइंस। हिंदी में कितना आया? हिंदी में 81 थी। तो कितना आप अपेक्षा कर रहे हैं? 95+। 95+। इसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं जी? आपका एक लक्ष्य होगा ना कि हमको ये बनना है? हाँ, एयरफोर्स और नेवी, यही दोनों में लगता हूँ मैं। एयरफोर्स और नेवी। अच्छा, एयरफोर्स नेवी के लिए आप ये कुरान शरिया में तैयारी करेंगे या कहीं जाएंगे बाहर? अभी इंटर कुरान शरिया। इंटर करने के बाद? अच्छा, इंटर कुरान शरिया से करना है, उसके बाद पटना जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? उसके बाद देखा जाएगा कहाँ जाना, सब बताएंगे। अच्छा, चलिए। तो देखिए, अभी इनसे बात हुआ तो इनको आगे एयरफोर्स नेवी का तैयारी करना है, और ये बिहार बोर्ड से खुश नहीं है। इनका अपेक्षा है कि और मेरा अधिक नंबर आना चाहिए, क्योंकि जितना ये लिखे हुए हैं उतना नंबर इनको नहीं मिला है। ठीक है, और इनके शिक्षक ये विकास सर हुए और ये चंदन सर हुए। ठीक है, इन लोग का भी काफ़ी योगदान रहा इनको उज्ज्वल होने में। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा विकास सर आप भी इनके बारे में दो सब बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, रितेश जब पहली बार मुझे मेरे पास पढ़ने आया जी, तो देखने में बहुत सीधा और साधारण, बाकी अदर बच्चों के अलावा क्लास में भी कोई से कोई लेना देना नहीं, खुद मतलब अकेले आना, क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठना, और जो भी मिलता था, जो क्लास में भी जो क्लास वर्क मिलता या होमवर्क मिलता, सबसे पहले दिखाना, और बाकी कोई बच्चों से तालमेल कुछ नहीं। तो मतलब हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लगा था कि मतलब था बाकी बच्चों से ऑड टाइप का मतलब ये है, लेकिन कहा जाता है कि जो डिफरेंट होते हैं वो डिफरेंट करते भी डिफरेंट। तो हमें देखने को भी आज मिला कि ये जो बाकी बच्चों से अलग क्यों रहते थे, बाकी बच्चों में रहना इनको क्यों नहीं पसंद है, शायद हो सकता है कि इसकी वजह से इनको कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो या इनको पसंद नहीं हो। लेकिन मैंने इनको हमेशा ये चीज़ देखा है कि ये बुक और अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदारी से, अगर कोई भी डाउट भी होती थी तो बाकी बच्चे कुछ तो ऐसे होते हैं जो शर्म से पूछते भी नहीं थे, लेकिन ये क्लास खत्म होने के बाद भी रुक के अपने डाउट क्लियर ना ये करते थे, और मतलब अपने पढ़ाई से लेके कोई चूक नहीं की इन्होंने, और टेस्ट में भी हमेशा अच्छे नंबर लेके आए हैं, और जिस उम्मीद पे या जितने इतना नंबर लाया जो हमारे कुरान शरिया हाई स्कूल में टॉप 10 में इनका थर्ड या फोर्थ स्थान है जी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं, और प्लस में इनकी जो घर की स्थिति है, इस स्थिति में करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की जो डरिया उसको डगमगाने नहीं दिया, इसको इन्होंने पकड़ के रखा है, और इस अपनी अंदर की जो ताकत और जुनून है उसके साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई पर डटा रहा, और कहीं ना कहीं इनको विश्वास होगा कि हम इस चीज़ कर सकते हैं, और इन्होंने वो करके दिखाया। तो इसलिए रितेश जो है अपना, हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े, और इनका जो सपना हो, भगवान करे कि वो सपना इनका पूरा हो, और ताकि फिर हम लोग अच्छे से एक बार और खुशियां बनाएं यहाँ पे। जरूर 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 जरूर, नेक्स्ट टाइम हम लोग चाहेंगे कि रितेश कुछ बन जाए, तो उस समय भी हम लोग आएंगे और एक यहाँ पर एक इनका एक वीडियो बनाएंगे, ताकि सबको दिखाएंगे, पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि वही रितेश है कि जब एक मैट्रिक में टॉप किए थे और आज वो सक्सेस हो गए। ठीक है, धन्यवाद।